हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरी किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे क्विकर ओट्स विद चिकन, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। ओट्स हम सभी जानते हैं कि बहुत हेल्दी होता है, और इसे हम चिकन के साथ बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी, क्योंकि चिकन में भी प्रोटीन है। तो यहाँ मैंने इसके लिए लिया है 100 ग्राम मैंने लिया है ओट्स, 300 ग्राम मैंने लिया है चिकन। तो मैंने ज़्यादातर इसके अंदर बोनलेस चिकन लिया है, एक आधी पीसेस इसमें बोन का होगा। और मैंने 50 ग्राम लिया है इसके अंदर मूंग की दाल, और इसे मैंने आधे घंटे से भिगो रखा है। तो सारी चीज़ें प्रोटीन वाली हैं, तो बहुत ही हेल्दी ये आपका दलिया बनकर आने वाला है, ओट्स दलिया। और 50 ग्राम ही मैंने ली है लाल मसूर की दाल, दोनों को मैंने आधे घंटे से भिगो रखा है। जो हम इसके अंदर मसाले लेंगे, तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज काट रखी है स्लाइस में, एक ही मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, इसको मैंने चॉप कर रखा है। 1 टीस्पून लेंगे इसमें हम धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने इसमें ड्राई पुदीना, और 1 टेबल स्पून लेंगे इसमें हम चाट मसाला, 1 टीस्पून लेंगे फुल रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लेंगे इसमें गरम मसाला, 1 टीस्पून लेंगे नमक, 2 टेबल स्पून इसमें लिया है मैंने दही थोड़ा सा। जब हम इसे गार्निश करेंगे, तो यहाँ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट रखा है जूलियन, थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे, थोड़ा नींबू डालेंगे और थोड़ी हरी मिर्चें। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, यानी कि 4 टेबल स्पून। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हमें फ्राई करना है पिंक होने तक। प्याज पिंक हो गई है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हम इसमें गार्निश के लिए प्याज निकाल लेंगे बस, और इसमें डाल देंगे हम टमाटर। बाकी फिर हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, दही को हल्का सा मिक्स करके डालें और जल्दी जल्दी इसको मिक्स करें। साथ ही में सारे स्पाइसेस, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और डाल देंगे इसमें पुदीना। तो पुदीने से इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और यहीं पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को हमें इसके साथ फ्राई करना है करीब 5 मिनट के लिए। 5 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। तो चिकन को हमें जब तक फ्राई करना है, जब तक इसे भूनना है, जब तक ये ऑयल आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से रिलीज हो गया है, क्योंकि मसाला हमें यहीं पर ही भूनना है। इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे दाल। अच्छे से मिक्स करेंगे और दाल को हम चिकन के साथ ही पकने देंगे करीब 8 से 10 मिनट के लिए। आधा कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, जैसे कि सब्जी सागू चिकन नीचे से लगे नहीं। और इसको कवर करके पकाएंगे हम मीडियम फ्लेम पर कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। बीच में हम इसको चलाएंगे ज़रूर 3 से 4 बार, जिससे ये नीचे लगे नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर साथ में दाल डाली है। दस मिनट के बाद हम यहाँ पे ओट्स को वॉश कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर हम ओट्स ऐड कर देंगे। और यहाँ डालेंगे हम इसमें 1 गिलास पूरा भर के पानी, या आप 1 से 1.5 गिलास डाल सकते हैं। और इसको अभी हम 5 मिनट, हमें जब तक कि ओट्स गल नहीं जाता, 5 से 7 मिनट इसे अभी हमें और पकाना है। इसे पकाएंगे हम मीडियम फ्लेम पर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। 7 मिनट के बाद हम देखेंगे ओट्स अच्छे से गल चुका है, तो यहीं पर हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला,
और चाट मसाला मिक्स करते जाएंगे। अदरक डाल देंगे, हरा धनिया, दो मिनट के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। सर्व करते टाइम थोड़ा सा आप इसके अंदर हरी मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक। आप इसे एंजॉय करिए, आप इसे गेस्ट के आगे रख सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आने वाला ये ओट्स चिकन दलिया है। थोड़ी सी गार्निश के टाइम पे प्याज ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे जो हमने फ्राई निकाली थी। तो आप इसे एंजॉय करिए, लंच में बनाएं, आप डिनर में बनाएं, इवन ब्रेकफास्ट में बनाएं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।